हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाकू जंक्शन। एंड हमने क्लास 11th अकाउंट्स का यू नो सिलेबस स्टार्ट किया हुआ इस पर्टिकुलर चैनल पर। एंड हमने चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। एंड आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबसे रिलेटेड आज हम वो सब कुछ कवर करेंगे। एंड जो भी क्वेश्चन एंड आंसर मैंने उठाए हैं वो पूरी पीडीएफ मैंने टीएस गरेवाल से उठाई है, तो आप लोग भी वो रेफर कर सकते हैं। एंड आपको उसमें कोई भी डाउट फंसे तो आप डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे जंप करूँ इससे बेटर मैं अभी पहले आपको थोड़ा सा चैप्टर का रिकैप दे देती हूँ। हालांकि मैंने पार्ट 1 ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे एंड चैप्टर को पार्ट 2 करके दो वीडियोस में डिवाइड करके मैंने पूरा सिलेबस कराया है आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे, आप इसे देख सकते हैं डिटेल्ड यू नो मीनिंग के लिए। मैं बस आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या कवर किया था, ताकि क्वेश्चन आंसर करते वक्त हमें यू नो एक बार फिर से याद आए कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले यू नो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस सीखी थी। अकाउंटिंग प्रोसेस में यू नो 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ है वो बिजनेस के लिए हुआ है कि नहीं। देयर आफ्टर हम उसको मेजर करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, देन रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। रिकॉर्डिंग के टाइम पे यू नो एक जर्नल नाम की बुक होती है, इसमें हम पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग्स करते हैं। देन क्लासीफाई स्टेज पे हम हर एक यू नो पार्टीज के लेजर क्रिएट करते हैं। देयर आफ्टर एक समराइजिंग स्टेज होती है जहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। एंड देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट स्टेज इज कम्युनिकेशन। और जब आप मीनिंग पढ़ेंगे यू नो जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यही सारे स्टेप्स को फिर से यूज करके यू नो एक मीनिंग ड्राफ्ट कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो यही एक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना होता है, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है उसको डिटरमाइन करना होता है, प्लस अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है एक अनदर ऑब्जेक्टिव है, यूजर्स को यू नो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देना, कम्युनिकेट करना, ये सारे क्या है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर कुछ हमने एडवांटेजेस पढ़े थे, फिर कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी। आप प्लीज यू नो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर रेफर करना डिटेल के लिए। मैं तो उसमें बस ये बता रही हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे और कुछ कुछ उनके बारे में। एंड जब पार्ट 2 की बात आई थी, पार्ट 2 में हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि 3 ब्रांचेस होती है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमारा मेन मोटो जो होता है फाइनेंशियल यू नो परफॉर्मेंस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस बना के पता लगती है, एंड यू नो फाइनेंशियल पोजिशन डिटरमाइन करना जिसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है यू नो कॉस्ट को डिटरमाइन करना, और वो भी क्यों, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो भी मैनेजमेंट को यू नो डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए होती है। देयर आफ्टर हमने 3 वर्ड सीखे थे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने बुक कीपिंग का मतलब पढ़ा कि बुक कीपिंग में यू नो अकाउंटिंग के वो 4 स्टेप्स कवर होते हैं, यानी कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन को, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन बिजनेस के लिए हुआ है। फिर सेकेंड हमें ये देखना है कि उसको हमें मॉनिटरी टर्म्स में हम उसको ला सकते हैं कि नहीं, देन रिकॉर्ड करना एंड क्लासीफाई करना। ये पर्टिकुलर 4 स्टेप जो होते हैं हमारे बुक कीपिंग में कवर होते हैं। अकाउंटिंग मैंने आपको बताया ही वही 7 स्टेप्स। एंड अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी यू नो इट इज कॉल्ड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का जो भी नॉलेज है दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। यही चीज़ें मैंने इसके बारे में यू नो लिखा है कि बुक कीपिंग सबसे स्मॉल, उसके बाद अकाउंटिंग एंड सबसे लार्जेस्ट अकाउंटेंसी, जो बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग दोनों को कवर करता है। इसके बाद यू नो हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस सीखा था। ऑफकोर्स जब मैंने बोला कि इसमें हम 4 स्टेप कवर करते हैं, और जो एडवांस स्टेप है यानी कि समराइज, जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, एनालिसिस करना है, ये सारा यू नो हाई स्किल काम है। इसीलिए डिफरेंसेस में आप देखोगे कि बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। इसमें बुक कीपिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है, बस अकाउंटिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाएं।
अगर मैं नेचर ऑफ जॉब की बात करूँ तो ये बुक कीपिंग इज अ रूटीन वर्क, बट अकाउंटिंग एक डायनामिक जॉब है जहाँ पे आपको एनालिसिस करना है, एनालिटिकल स्किल्स आपकी यूज होंगी। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, यहाँ पे इतना यू नो बुक कीपिंग में आपको इतना स्किल्ड स्टाफ नहीं चाहिए, बट अकाउंटिंग में यू नीड अ स्किल्ड स्टाफ। और लेवल ऑफ स्किल्स की अगर हम बात करें तो यू नो बुक कीपिंग में आपको स्पेशलाइज स्किल्स की जरूरत एज सच नहीं है, बट येस अकाउंटिंग रिक्वायर्स इट। ये हमने अभी पढ़ा कि अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है, फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि बुक कीपिंग की प्रोसेस के थ्रू जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेट होते हैं उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं, एंड यू नो व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हमने वो चार पढ़ा था। यू नो रिलायबिलिटी, जिस पे हम विश्वास कर सके, रिलायबिलिटी का मतलब यू नो कोई भी पर्सनल बायस यानी कि किसी के यू नो पक्षपात में बनाया नहीं होना चाहिए, वेरीफाई कर पाए, कोई मटेरियल एरर कोई मिस्टेक उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, तब जाके हम उस पर रिलायबल यू नो विश्वास कर पाएंगे। रिलीवेंस क्या होता है, यानी कि जो काम की बात बताए, यानी कि जो जरूरत है यूजर्स की उनकी जरूरतों को पूरा करे उसे रिलीवेंस बोलेंगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, एंड फाइनली इस तरह से बनाया जाए कि हम उसको कंपेयर कर पाए। फिर हमने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ा था कि इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल क्या होते हैं, जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वो कभी भी चेक कर सकते हैं, वो इंटरनल यूजर्स होते हैं। इसमें ऑनर एंड मैनेजमेंट आता है। एक्सटर्नल यूजर क्या होते हैं, जिनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है इंडिविजुअल लेवल पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, उनको एक्सटर्नल यूजर बोलते हैं। इसमें एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आ सकते हैं, बैंक आ सकते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, ये सारे के सारे एग्जांपल्स यू नो एक्सटर्नल यू नो यूजर्स के हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ा था कि सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम, आप अपनी बुक को देखोगे तो बाहर लिखा हुआ है क्लियरली डबल एंट्री सिस्टम, एंड 99% क्या 100% डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो होता है हर अच्छी जगह पे। यू नो जिस डबल एंट्री सिस्टम का अगर मैं मतलब आपको समझाऊँ तो यानी कि जो एक ट्रांजेक्शन है उनके दोनों पहलू को यू नो हम लोग कवर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझसे यू नो कुछ सामान खरीदा, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं कि आपको जो मैंने वो सामान दिया वो वन एस्पेक्ट है और उसके बदले आपने मुझको पैसा दिया और सेकेंड एस्पेक्ट है। डबल एंट्री सिस्टम ये गिविंग प्लस रिसीविंग दोनों को रिकॉर्ड करता है, और वही हम अपने पूरे कोर्स में सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। हर अच्छी जगह पे यही डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, डबल एंट्री सिस्टम का इनकम्प्लीट वर्जन ही यू नो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है, कि जिसमें या तो आप रिकॉर्ड करना भूल गए दोनों एस्पेक्ट को, या फिर आपने एक एस्पेक्ट को कवर कर लिया। इसके बेसिस पे यू नो इंफॉर्मेशन निकाल पाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना पाना या फिर बैलेंस शीट बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए पहले हम सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इसे इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके। क्लियर, ये सब चीज़ें हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू इस चैप्टर का जो मैंने वीडियोस डाली हुई है, चैप्टर वन की इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आप उसे प्लीज़ रेफर कीजिए। इस पर्टिकुलर जो मैंने अभी तक बताया जस्ट क्विक रिकैप था, यानी कि बस आपको याद दिलाने के लिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था ताकि हम क्वेश्चन पे जंप कर सके, बट सिर्फ इसको आप देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आप प्लीज़ पहले वीडियोज को रेफर करना। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ चलते हैं। ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आपकी बुक टीएस गरेवाल जो कि अकाउंटिंग के लिए यूज होती है, उस बुक से मैंने पीडीएफ उठाया क्वेश्चन एंड आंसर का, और उसको मैं एक एक करके यू नो कोई इजी है टफ है मैं कुछ कैटेगराइज नहीं कर रही, मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी, डिस्कस करूंगी आपसे, ताकि आपकी क्लैरिटी यू नो और बेटर होती जाए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू नो क्वेश्चन है दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का, रेजिग्नेशन बाय अ मार्केटिंग मैनेजर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, व्हाई। हमें रीजन देना है कि मार्केटिंग मैनेजर हमारे बिजनेस को यू नो रिजाइन करके चला गया, एंड इस चीज को हम बिजनेस में यू नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्यों। आप मुझे खुद बताओ कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या थी,
अकाउंटिंग की प्रोसेस थी कि पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या इवेंट बिजनेस के लिए हुआ है। हाँ, बिजनेस के लिए हुआ है क्योंकि बिजनेस में से मार्केटिंग मैनेजर छोड़ के गया है। सेकेंड स्टेप होता था कि जो ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई किया है, क्या उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। अब आप मुझे खुद बताओ कि रेजिग्नेशन बाय अ मार्केटिंग मैनेजर, इसकी क्या कोई मैं मॉनेटरी वैल्यू दे सकती हूँ आपको? नहीं, इसीलिए ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। देखो सेम यही लिखा हुआ है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। आई होप ये सब आपको क्लियर है। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इज द स्टेटमेंट करेक्ट? नहीं है, ठीक, इनकरेक्ट है। क्यों? बुक कीपिंग तो पार्ट है, मैंने अभी भी आपको इस वीडियो में भी बताया कि बुक कीपिंग में वो चार स्टेप कवर होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना, मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना। यानी कि अकाउंटिंग के टोटल 7 स्टेप्स में से ये जो चार स्टेप है बुक कीपिंग में कवर होते हैं, है ना। यानी बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, उसका एक पार्ट है, और ये कह रहा है कि नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट तो फिर क्या होगी, गलत होगी। नो, बुक कीपिंग यस इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसमें यू नो टू प्रोसेस कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इवेंट्स आर द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, ये आपको पता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स और टू असर्टेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ये पूछ रहा है कि जो बुक कीपिंग हम पढ़ के आए थे उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आप खुद बताओ, ये चार स्टेप हम कवर करते हैं और चार स्टेप में सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, यानी कि बुक कीपिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है सिस्टमैटिकली, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, ना कि नेट रिजल्ट निकालना, क्योंकि इसमें वो स्टेप्स तो इन्वॉल्व ही नहीं है। समराइजिंग स्टेप पे जब हम आते हैं तब हम यू नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमें नेट रिजल्ट समझ आता है ना। तो यानी कि बुक कीपिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो आंसर यस, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। आई होप ये समझ आया आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स करेक्टली एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इज इट करेक्ट? यार अभी हम पढ़ के आए थे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अदर देन दिस की सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करे, यू नो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकाले, फाइनेंशियल यू नो पोजीशन हम जाने, इसके अलावा मैनेजमेंट को हेल्प करना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स को बताना, ये सब भी तो ऑब्जेक्टिव थे कि नहीं? तो ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना और रिकॉर्डिंग करेक्टली करना ये हमारा ओनली ऑब्जेक्टिव है। नो, इसके अलावा भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो नो, बिसाइड्स रिकॉर्डिंग देम करेक्टली एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को हेल्प करती है कंट्रोल करने के लिए, एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर्स को बताना भी एक अनदर ऑब्जेक्टिव है किसका, अकाउंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसर्स शिवा ब्रदर्स हैज डिस्क्लोज्ड इंटरेस्ट रेट ऑन डिफरेंट बोरोइंग्स, Does this information qualify the characteristics of relevance? What is your opinion? Relevance हमने क्या पढ़ा था, हमें यूजर्स को वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, जो उसके नीड्स को पूरा करे। अब मैसर शिवा ब्रदर्स ने क्या किया है, अलग अलग जो उन्होंने लोन्स लिए थे, बोरोइंग्स की थी, उसके इंटरेस्ट रेट उनको बताए हैं। यस, दिस इज रिलेवेंट। अब देखो जो यूजर्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनको ये समझ आएगा कि जो फंड्स उन्होंने यू नो उठाए हैं वो सही कॉस्ट पे उठाए हैं कि नहीं, ना? तो ये जो है रिलेवेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करती है। यस, द इन्फॉर्मेशन क्वालिफाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेवेंस एज अ यूजर इज इन पोजिशन टू डिटरमाइन वेदर द कॉस्ट ऑफ फंड्स इज इकोनॉमिकल, मतलब सही, और इट नीड्स टू बी इम्प्रूव या फिर इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्लियर? नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शोज प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड, ये हमने खुद पढ़ा था। फाइनेंशियल यू नो परफॉर्मेंस जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जनरली ये वर्ड यूज करते हैं, बट इन केस ऑफ कंपनी स्पेशली
हम वर्ड यूज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज पोर्शन पे, आइए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग, ऑप्शन वन दिया है, मीन्स सेम एंड आर यूज इंटरचेंजेबली, नहीं दोनों का सेम मतलब नहीं होता और दोनों को एक दूसरे की जगह यूज नहीं कर सकते। सेकेंड, डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजेबली, हाँ ये सही लग रहा है मुझे, मीन्स बोथ ए एंड बी बोथ तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ द, सो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट का बी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बिल्कुल सेम नहीं है, बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अभी सीख के आए थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड का मतलब क्या है, जो हमने ब्रांचेस पढ़ी थी अकाउंटिंग की उसी के बारे में हमसे पूछ रहा है। यू नो देखो, बुक कीपिंग क्या ब्रांच थी अकाउंटिंग की? नो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग थी, कॉस्ट भी थी, फाइनेंशियल भी थी, यानी इसका आंसर क्या है, ए, कि कौन सी ब्रांच अकाउंटिंग की नहीं है, बुक कीपिंग नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड। आप कुछ सोचो, हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि किसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस को आप दिमाग में लेके आओ। सेल ऑफ गुड्स, यस, बिजनेस के लिए हुए, मॉनिटर टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी भी रिकॉर्ड करेंगे। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्या आप इसको मॉनिटर टर्म्स में यू नो अमाउंट दे सकते हो? मुझे नहीं दे सकते ना, यानी कि। एंड परचेज ऑफ गुड्स, यस, ये मॉनेटरी टर्म्स में आएगा, रिकॉर्ड होगा, बट क्वालिटी ऑफ स्टाफ को हम मॉनेटरी वैल्यू में असर्टेन नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं कर सकते, इसीलिए ये रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, हाँ रिकॉर्डिंग्स में होता है। क्लासिफाइंग तो होता है, बट समराइजिंग तो नहीं होता, समराइजिंग तो अकाउंटिंग में आ गया, यानी कुल मिला के ये नहीं होगा। इंटरप्रिट करना, वो भाई अकाउंटिंग का पार्ट है, और ऑल ऑफ द अबव तो फिर हो ही नहीं सकता, यानी इसका क्या है, ए पार्ट है। बट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सबसे लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को, यानी कि लास्ट स्टेप क्या होता है, कम्युनिकेट करना। रिकॉर्डिंग सबसे थर्ड स्टेप होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोर्थ होता है, एनालिसिस सिक्स होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है, सेवेंथ वन इज कम्युनिकेशन, क्लियर। नेक्स्ट है बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिक फंक्शन क्या होता है? बेसिकली तो यू नो रिकॉर्ड ही करना होता है, उसके बाद फिर एनालिसिस करना मैनेजमेंट को, बट बेसिक फंक्शन एकदम जो कोर फंक्शन है वो तो क्या है, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लियर। ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इन टू लेजर अकाउंट फ्रॉम, देखो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड किस में करते हैं, जर्नल बुक में, एंड देन उसके बाद हम लेजर में पोस्ट करते हैं। ये कह रहा है कि कहाँ से हम ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट करेंगे, तो कहने वाली बात है ये, तो जर्नल बुक से हम लेजर में लेके आते हैं। अभी आप बहुत ज्यादा मत सोचना, धीरे धीरे आपको समझ आएगा, कमिंग चैप्टर्स में प्रैक्टिकली सब चीजें करने वाले हैं। ये वाला भी हमारा कवर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, देखते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटिंग टू, यस बिजनेस है। सैलरी पे किया, हाँ जी बिजनेस का है। रेंट फॉर ऑफ प्रीमाइस, हाँ जी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अरे ये क्या करा है लेडी, परचेज करी अपने घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए हुआ है नहीं, तो यानी कि दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये भी आपके कवर हो गया। नेक्स्ट कुछ बचे हैं वो देखते हैं। विच वन इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, देखते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, हाँ जी ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेज है। एडवांटेज है कैसे, हमें सब कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, और अकाउंटिंग की जरूरत भी हमें इसीलिए पड़ी थी कि यार हम सब कुछ याद नहीं रख सकते, एक एक ट्रांजेक्शन को मैं याद कैसे रखूं, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी एक एडवांटेज है। शोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, नहीं दिखाता यार, नहीं दिखाता,
अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंजेस, ये लिमिटेशन है, नॉट फुली एग्जैक्ट लिमिटेशन है, यानी इसका आंसर क्या है, ए। नाइन्थ भी हमने कवर किया, टेंथ देखते हैं। विच इज द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, हाँ जी ऑब्जेक्टिव है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, हाँ जी ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल पोजिशन निकालना, हाँ जी ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं है इंटरनल यूजर्स, कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंटरनल कौन होते हैं आप खुद बताओ, जिसको डायरेक्ट एक्सेस होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, इन्हें तो एक्सेस होता है, मैनेजर को भी होता है ना, एम्प्लॉयज, यानी कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, एम्प्लॉयज, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, इंटरनल नहीं होते। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन, क्या कमी है, मैनेजमेंट को असिस्ट करना क्या कमी है, नहीं, मेमोरी रिप्लेस करना कोई कमी है ना, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, हाँ जी ये लिमिटेशन है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन दे देता है कई बार, एविडेंस इन कोर्ट इज एडवांटेज है, कमी नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाय, मैं अभी तो बहुत बार पढ़ा यार, कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि गुड्स की कॉस्ट क्या आई। क्लियर, नेक्स्ट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे दो पॉइंट कवर हुए, यहाँ पे दो, और यहाँ पे ट्रू एंड फेयर, रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल, सारे ही कवर हो गए, यानी कि ये वाला क्या है आपका करेक्ट है। रिलायबल के लिए ट्रू एंड फेयर भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं ना, तो ऑलमोस्ट ज्यादा ज्यादा ऑप्शन इसमें कवर है तो हम ये वाला यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, नहीं है, रिलायबिलिटी तो है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, कंपैरेटिबिलिटी भी है, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी है, मटीरियलिटी नहीं है, क्वालिटेटिव, तो ये ऑप्शन सही है। Use of common unit of measurement and common format. देखो हम common unit of measurement use कर रहे हैं, common format use कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे information को comparable बना पाऊँ, है ना, comparability कर पाऊँ, इसलिए ये इस feature को fulfill करता है। Which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? अगर अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी ना, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है, क्या सही है जो भी स्टेटमेंट हमें दिया है या गलत है, चलो ये देखते हैं। अकाउंटिंग मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, ऑफकोर्स दिस इज ट्रू, मैं टी लिखूंगी और फॉल्स के लिए एफ लिखूंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंपेरेबल, गलत है, कंपेरेबल होते हैं, फॉल्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट ओनली अकाउंटिंग पीपल अंडरस्टैंड, इज नहीं यार, फॉल्स है, सबको समझ आना चाहिए, सिर्फ अकाउंटिंग वाले बंदों को नहीं, सबको समझ आना चाहिए, इसलिए फॉल्स है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, यस ट्रू। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर सिनोनियम टर्म्स, यानी इंटरचेंजेबली, सेम मतलब होता है, नहीं, यानी कि ये भी क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑफकोर्स नॉन फाइनेंशियल को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, नहीं कर पाते, ट्रू। ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इन अ बुक कॉल्ड पोस्ट, हमेशा याद करना कि लेजर के लिए वर्ड यूज करते हैं पोस्ट, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर, अकाउंटिंग डज नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, फॉल्स, क्योंकि अकाउंटिंग में बुक कीपिंग ऑलरेडी शामिल है। अकाउंटिंग डज नॉट शो द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस, एग्जैक्टली ट्रू है, ये नहीं शो करता रिलाइजेबल वैल्यू, आप इसके लिमिटेशन पढ़ना, इसीलिए कह रही हूँ कि पार्ट ए, पार्ट वन एंड पार्ट टू जरूर कवर करके आना। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन, यस यही इसमें कवर होता है, दैट इज ट्रू। क्लियर, नेक्स्ट हम चलते हैं, ए फिल इन द ब्लैंक्स हमको भरने अप्रोप्रिएट वर्ड से, देखो
अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ, क्या आएगा, क्या आएगा, पैसों की टर्म में हर एक को हम मेजर करते हैं। क्या स्टार्ट होता है जब बुककीपिंग खत्म होती है भैया? अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जब बुककीपिंग खत्म होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज बेस्ड ऑन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के बेस पे होता है, ठीक है। आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन, देखो जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे पहले एक तारीख के ट्रांजेक्शन आएंगे, फिर दो तारीख के, फिर तीन तारीख के, फिर पांच, चार तारीख के, चार को नहीं आते, फिर पांच को, फिर छह को नहीं तो सात को, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद, यहाँ पे पहला स्टेप आएगा, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, आइडेंटिफिकेशन करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, एंड एंड कैसे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट्स, किसको, इंफॉर्मेशन किसको, यूजर्स को। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू शो द बेटर पोजीशन देन व्हाट इज एक्चुअली, यानी हम अकाउंट्स का मैनिपुलेट करके बेटर पोजीशन दिखा रहे हैं एक्चुअल से, उसे हम बोलते हैं, हमने पढ़ा था लिमिटेशन में विंडो ड्रेसिंग, मैंने आपको बताया भी था, क्लियर। अब नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रेलिवेंट इफ इट इज, इफ इट इज नीड, रेलिवेंट कब होगी, जब ये यूजर्स की नीड्स को, यूजर नीड्स आर फुलफिल्ड, क्लियर। इस पे आप मार्क कर लेना क्योंकि ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। यहाँ पे लिखा है रेलिवेंस के बारे में बात, रेलिवेंस का मतलब काम का, कितना काम का है, जो जरूरत है यूजर्स की उनको पूरा करने के लिए, यू नो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसीलिए बोलते हैं रेलिवेंट होनी चाहिए, रिलायबल में होते हैं कि कोई भी उसमें यू नो पक्षपात नहीं होना चाहिए, रिलायबल के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है इसका गलत है। नेक्स्ट, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, कौन कौन होते हैं भैया इंटरनल यूजर्स, मैनेजर्स एंड ओनर्स, ठीक है। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, क्या बनाते हैं हम, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, क्लियर। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, कंपेरेबिलिटी एंड understandability, ठीक है। cost of goods manufactured अभी पढ़ के आए थे, cost accounting बताते हैं। profit and loss कौन सी accounting calculate करती है, अभी पढ़ के आए थे भैया financial accounting। dash are the basis of recording financial transaction in the books of accounts, you know जब भी कोई transaction होता है ना उसके vouchers prepare होते हैं, तो उसके basis पे हम क्या करते हैं अकाउंटिंग को, मतलब रिकॉर्ड करते हैं जिसके बेसिस पे। बैलेंस शीट में क्या होता है, दो ही चीज होती है भैया, एक तो हमारी एसेट्स, एक हमारी लायबिलिटी। अभी ज्यादा मत सोचना क्या है क्या नहीं है, सब समझ आएगा। चल, द बुक वेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड, मैंने बताया था लेजर, लेजर में हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। द स्टेटमेंट प्रिपेयर टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी हमने सारे कवर कर लिए, अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स पे, ओके। एंड आई होप ये आपका छोटा ही है, खत्म होने वाला है आपका चैप्टर, वेरी शॉर्ट आंसर्स पे हम चलते हैं। ओके चलो, गिव द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, बड़े प्यार से बता दे पूरी प्रोसेस, यू नो पहले
आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेट करना, ये पूरी प्रोसेस को आपको यू नो मीनिंगफुल एक सेंटेंस में लिख देना, वही मीनिंग हो जाता है काउंटिंग का। तो फंक्शंस तो आप बता ही दोगे, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, यू नो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताना, फाइनेंशियल पोजिशन बताना, और ये जो दिए ये भी हो सकते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, ये भी हो सकता है। नेम द ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन सेट ऑफ बुक्स। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड तो क्या मेंटेन करती है, बुक कीपिंग, है ना। बुक कीपिंग को डिफाइन कर दोगे, वही चार स्टेप अकाउंटिंग की। Bookkeeping is an art of recording in the books of account the monetary aspect of commercial and otherwise वो आप चार जो you know stages होती है या फिर वो चार जो step है accounting के उसको आप meaningful sentence में लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। अच्छा, bookkeeping का function क्या होता है, देखो वही चीज लिखी है उसको आप ऊपर भी लिख सकते थे। The function of bookkeeping is to identify करना, measure करना, record करना and classify करना, वही चार step। तो ऑब्जेक्टिव कोई प्रॉफिट एंड लॉस सर्टेन करना, फाइनेंशियल पोजीशन बताना, मैनेजमेंट को हेल्प करना, बहुत सारे होते हैं, कुछ भी लिख देना ना। तो लिखना है आपको, ये दोनों आ गए। एडवांटेज क्या होते हैं, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जान हेल्प करता है, पोजिशन जानने में हेल्प करता है, मेमोरी को रिप्लेस करता है, कोर्ट में एविडेंस होता है। आप दो कोई एडवांटेज लिख दो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजिशन को जानने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। लिमिटेशंस क्या थी अकाउंटिंग की, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता हमें, और जो भी क्वालिटेटिव यानी जो मॉनेटरी टर्म्स में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते उसको ये रिकॉर्ड नहीं करता, और जो महंगाई है, प्राइस लेवल चेंज है, उसको ये इग्नोर करता है। कोई एक एक्सटर्नल क्रेडिटर, क्रेडिटर आपको पता है, एक बार फिर से बता देती हूँ, जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, उन्हें हम क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। नेम द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच द फर्म परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट। वही बोल रहा है यार, यहाँ पे हम क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, क्लियर, यही मतलब होता है क्रेडिटर का। इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड या फिर नेट रिजल्ट। अभी पढ़ के आए थे कि रिपीटेड है ये, ऐसे एक दो और ऊपर रिपीट हुए हैं। द बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। कोई एक्सटर्नल यूजर्स के एग्जांपल, जो दो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल यूजर में क्रेडिटर आ गया, बैंक वगैरह आ गई, पब्लिक आ गई, गवर्नमेंट आ गई, रिसर्चर आ गए, काफी सारे होते हैं, ठीक है। अब ये शायद लास्ट ही है, हाँ जी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर से मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बड़े प्यार से आप बता दोगे, प्रोसेस 10 बार बोला है, आप आराम से बता दोगे। बुक कीपिंग क्या होता है, उसके फंक्शंस वो चार वो आपको बताने हैं, एक डिफरेंस बताना है, कोई भी आप डिफरेंस बता दो, काफी सारे होते हैं। बुक कीपिंग का मीनिंग का डिफरेंस हो जाएगा, ये प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, यहाँ पे यू नो ट्रेंड स्टाफ नहीं चाहिए होता, यहाँ पे चाहिए होता है, यहाँ पे स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए होती, यहाँ चाहिए होती है। तो ये काफी सारे यू नो वो है डिफरेंस पॉइंट्स है, आप कोई एक इसमें से लिख देना। व्हाई द फॉलोइंग पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्यों चाहिए इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्यों मजा आता है। इन्वेस्टर भैया पैसा लगाएगा तभी जब इसे लिखेगा कि इसको अच्छा पैसा वापस मिलने वाला है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इसे क्या चाहिए होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ताकि ये इन्वेस्ट करे या ना करे वो डिसीजन ले पाए। गवर्नमेंट हम पे टैक्स लगाती है, तो टैक्स का करेक्ट पेमेंट हुआ है या नहीं, इसलिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। स्टेट व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमें पता है क्या बनता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स फीचर्स, यहाँ पे इसका मतलब प्रोसेस भी है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आपको बतानी है, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग बता देंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताना है ना, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना, मैनेजमेंट को हेल्प करना, ये सारे क्या है मेन ऑब्जेक्टिव्स है, कोई भी दो आप यहाँ पे लिख देना शॉर्ट आंसर में। एडवांटेजेस वही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिटरमाइन करके देता है, पोजीशन हमें बताता है, मेमोरी रिप्लेस करता है, कोर्ट में एविडेंस है, ये सारे क्या है एडवांटेज है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है भैया, वही रिकॉर्डिंग करना, पोजीशन डिटरमाइन करना एंड बैलेंस शीट बनाना। फोर ऑब्जेक्टिव अभी फिर बताए थे, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं,
फिर अकाउंटिंग डिफाइन करो, दो लिमिटेशंस क्या हो सकती है, और पढ़ के आए थे कि एग्जैक्ट नहीं होता, यू नो कुछ एस्टिमेट्स हम यूज करते हैं, यानी अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। और दूसरी लिमिटेशन आप बता सकते हो कि मैनिपुलेशन इज पॉसिबल, यानी विंडो ड्रेसिंग होती है यहाँ पे, या फिर और मैं बताऊँ तो क्या हो सकता है यहाँ पे, यू नो प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर किया जाता है, दीज आर द लिमिटेशंस। वट इज अकाउंटिंग, वट आर द फोर फंक्शन, वही रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को, परफॉर्मेंस बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेशन हमें बताता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, ये सारे क्या फंक्शंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को बताना होता है, और मेन फंक्शन क्या है वो डिटरमाइन करना। शॉर्ट नोट, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आप बता सकते हो, इन दिस सिस्टम बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डिंग, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, ट्रांजेक्शन दो एस्पेक्ट होते हैं, दोनों को जो रिकॉर्ड करता है दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, इसी के बारे में आपको लिखना है, एंड पार्ट टू के बारे में मैंने इसके बारे में चर्चा की है, आप उसमें से देख सकते हो। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ जी, फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ अ कंसर्न, इन एडिशन इट प्रोवाइड्स वेरियस अदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, हाउएवर अकाउंटिंग हैज सर्टेन लिमिटेशंस, मतलब घुमा फिरा के ना उसे बस ये पता क्या पूछना है, तीन लिमिटेशन बता दो। पहला, विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं, यानी अकाउंटिंग विल लीड टू विंडो ड्रेसिंग। दूसरा, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट क्योंकि एस्टिमेट्स, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि हम इसमें एस्टिमेट्स को यूज करते हैं। तीसरा, ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है, ये तीनों मैंने लिमिटेशन आपको बता दिए। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम टीएस गरेवाल बुक इज कवर्ड, आपको फिर भी कोई डाउट हो आप जरूर क्वेश्चन नंबर के हिसाब से मेरे को यू नो कमेंट में लिख देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी एंड फुली ट्राई करूंगी कि आपका डाउट मैं दूर कर पाऊँ, और अगर कमेंट में पॉसिबल नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर्टिकुलर डाउट को जरूर डिस्कस करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आपको सब समझ आ रहा है तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।